कहीं इनमें खराबी नहीं है, बहुत सुंदर लगता है हमको। ये गाते बजाते हैं सब दौड़ के आते हैं सुनने अच्छा के कर रहा है, ये कर रहा है, तो हमको भी अच्छा होता है, चलो दुकान हम संभाल लेते हैं एक दिन, जाओ। मेरे बेटे आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरे भाई हैं आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी को भी प्राउड होगा कि मेरा भाई मेरे है। बहुत ही अच्छे मित्र हैं, भाई के समान है, जो कि हमेशा हमको गाइड करते हैं। मैं सोनी मिश्रा और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पे नजर, सबकी खबर। जी हाँ, आज वक्त है एक ऐसे शख्सियत से आपका रूबरू करवा रहा हूँ जो कि हमारे भागलपुर शहर में अपनी मेहनत और अपने लगन से एक बहुत ही, क्या कहूँ मैं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि भोजपुरी में, साथ ही साथ भोजपुरी के साथ अंगिका में भी वे एक बेहतरीन गीत लिख भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और अपना नाम रोशन भी कर रहे हैं। मैं मिलाना चाहूँगा आपको राहुल अनुजी से, जो कि यूट्यूबर भी हैं और यूट्यूब में अपना काफ़ी अच्छा नाम भी कमाए हैं, साथ ही साथ भोजपुरी के अलावा अंगिका की काफ़ी सारे फिल्मों में भी वो काम कर चुके हैं, संगीत दे चुके हैं, गीत गा चुके हैं। तो हमें आज आपको ये बताने में काफ़ी हर्ष महसूस हो रहा है कि सिल्क सिटी में भी ऐसा कोई शख्स है जो कि बहुत ही कम उम्र में आप लोगों का चहेता बन रहा है और आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से वह दिन दुनी रात चौगनी अपनी तरक्की कर रहा है। ली है सिंपल वाला साड़िया, जैपे कैसे भागलपुर बजड़िया के, हमें नहीं छियौ न करवाने जा रहा हूँ आपको राहुल अनुजी से, जो कि यूट्यूबर होने के साथ साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक उभरता हुआ कलाकार हैं और इतना ही नहीं, भोजपुरी के साथ हमारे भागलपुर शहर में अंगिका को भी अपना एक नाम दे रहे हैं और अंगिका भाषा में भी वे बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कर रहे हैं। आइए मैं उन्हीं की जुबानी, मैं उनकी शख्सियत को मैं आपको उजागर करवा रहा हूँ। टीवी चैनल वाले जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सर हमारे घर पे आज चल कर आए और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ मुझे बातें करके। और मैं अपने बारे में आप सभी को बताऊंगा कि मैंने सिंगिंग की शुरुआत किया और सिंगिंग कर रहे हैं हम। तो मैं सिंगिंग, देखिए सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है, और मैं इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, जब मैं 6th क्लास 5th क्लास में पढ़ता था तब से मैं स्कूल में प्रेयर होता था तो प्रेयर करवाता था। उसके बाद फिर स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी में मैं अपना परफॉर्मेंस देता था, देशभक्ति गीत सब गाता था और बच्चे सबको तैयार करना चाहता था। तो बस उस टाइम से मतलब गाने का जिज्ञासा होने लगा और स्कूल में सर लोग मैम लोग बहुत मेरा तारीफ़ करते थे, तो और अच्छा लगने लगा अंदर से कि और हमको करा जाए, अच्छा सा मेहनत किया जाए। तो बस धीरे 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 मेहनत हम करते चले गए और 2018 में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद तो मैं पढ़ाई में मेरा फोकस नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि कुछ ऐसा रीज़न आ गया था फैमिली, और तो नहीं कर पाया, बस सिंगिंग को ही फोकस दिया हूँ और सिंगिंग से ही आगे बढ़ा हूँ। मैंने 3 साल तक मैंने स्टूडियो में काम किया, SBR स्टूडियो भागलपुर में है, 3 साल मैंने वहाँ पर साथ में हम लोग रहते थे, साथ में काम करते थे। और उसके बाद एल्बम में आज से 3-4 साल पहले मैं एल्बम के लाइन में भी आया और 178 मैंने एल्बम सॉन्ग किया। मैंने एक एल्बम किया था साथ चक मोहल्ला में आज एगू, और बहुत सारा मैंने एल्बम किया, बहुत अच्छा प्यार रिस्पांस मिला। एक गाना गाया था हायरे हुटलाली, जिसको 7 दिन में 3.5 लाख लोगों ने देखा, अपना प्यार आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर मैंने 2 शॉर्ट फिल्म किया है, क्वार्टर गर्लफ्रेंड, डेंजरस रोमियो, एक में मैं हीरो का रोल किया हूँ, उसके बाद एक छोटा सा मेरा पार्ट है, और एक बहुत ही अच्छा अंगिका फिल्म है जो कि घर घर की कहानी, बहुत अच्छा अंगिका फिल्म है 2.5 घंटे की, जो कि मैं बस इधर शूट इसका स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग उस फिल्म को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, आपने तो सफलता का परचम ही डाल दिया। मैं क्या बताऊँ, आप इतनी कम उम्र में, और बड़ी हैरानी हो रही है, और बड़ी जिस तरीके से आपने वो क्या कहा, वो इशाक चक्के रंगवाज और जिस्म से जान तक पास आते गए इन निगाहों से दिल में समाते गए,
जिस हसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, शायरी बन गए हो तुम। हम लोग साथ में बैठते हैं और हम लोग न्यू कंपोजिंग करते हैं न्यू सॉन्ग का, और बहुत सारा सॉन्ग हम लोग साथ में बैठ के लिखते हैं और फिर उसका म्यूज़िक क्रिएट करवाते हैं। सब हम लोग एक, मतलब हम लोग का एक टीम है, हम लोग साथ में ही काम करते हैं और बस उसी से मतलब न्यू सॉन्ग का तैयारी। आप देख रहे हैं ना कितनी नज़ाकत से हमारे राहुल अनु जी बात कर रहे हैं। कुछ शर्माहट भी है, कुछ सकुचाहट भी है और मन में काफ़ी सारे अभिलाषाएँ इनके हैं। तो ये हमारा आशीर्वाद है और भागलपुर दर्शकों का भी इनको प्रेम और समर्थन मिल रहा है, मिलता रहेगा इन्हें। ये इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, इसी तरीके से अपना नाम कमाते रहें, मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन कामयाबी इनकी निश्चित तौर पर इनकी। और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24x7, सब पे नज़र, सबकी खबर पे। जी हाँ, अभी आपने हमारी एक छोटी सी इंटरव्यू हमने देखा राहुल अनु जी को, जो कि अंगिका के साथ साथ भोजपुरी में बहुत ही अच्छा गाते भी हैं, खुद संगीत देते भी हैं और बहुत ही मनोरंजक तौर पर लोगों का दिल बहलाते भी हैं। जी हाँ, इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं ये जानकारी आप लोगों को देने चाहा कि इंसान कम अभावग्रस्त जीवन में भी अगर वो जो करना चाहे, अगर वो मेहनत से कुछ भी अगर ठान ले तो आगे बढ़ सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे राहुल अनु जी हैं, जो कि भागलपुर शहर के सिल्क सिटी से मशहूर नाम से जाना जाता है भागलपुर शहर को। और राहुल अनु जी कि मैं परिवार के भी सदस्यों को आपसे मिलवाना चाहूँगा, रूबरू करवाना चाहूँगा आपको। जी हाँ, मैं अब मिलवाना चाहूँगा उनके माता पिता जी से, जिन इसलिए भी क्योंकि राहुल अनु जी को गढ़ने में माता पिता जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी बहन का, उनके दादी जी का, उनके दोस्तों का। क्योंकि देखिए, इंसान तभी आगे बढ़ता है जब उनके साथ उनके सारे परिवार के सदस्य उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके सपनों को साकार करने में इनकी भूमिका बहुत अहम होती है, यह मान के चलना होगा। क्योंकि माता पिता एक कुम्हार की तरह होते हैं जो कि अपने बच्चे को गढ़ते हैं। जैसे कुम्हार किसी वस्तु को गढ़ने में जिस तरीके से अपने हाथ का प्रयोग करते हैं, माता पिता भी ठीक उसी तरीके से अपने संतान को गढ़ने में उनका हाथ होता है, उनकी बहनों का हाथ होता है, उनके दोस्तों का हाथ होता है। राहुल अनु जी यूं ही राहुल अनु जी नहीं है, उनके दोस्तों का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनके साथ में रहने वाले साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, अब मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले उनकी माता जी से कि माता जी प्लीज़ आप राहुल अनु जी के बारे में कुछ बताएं। और राहुल अनु जी क्या बचपन से ही ऐसे थे? आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ रहा है, गाना गा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि आप माँ का जो आपने फर्ज निभाया, और आज मुझे पता चला और मैं खुद भागते हुए आया राहुल अनु जी का इंटरव्यू लेने के लिए। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है क्योंकि मैं पत्रकारिता में एक आयाम मुझे मिल रहा है कि मैं लोगों को यह बताऊं कि हमारे छोटे से शहर में, एक छोटे से गली में किस तरीके से इंसान आगे बढ़ता है। और मुझे बताने में हर्ष महसूस होता है और ख़ास करके माता पिता का तो दिल और चौड़ा हो जाता है। जैसे उसका टीवी पे आएगा, वो फेमस हो रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दादी माँ को कि दादी माँ भी काफ़ी हर्षित हैं कि उनका लाल, उनका पोता आगे बढ़ रहा है। वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा इस पर भी वो दादी माँ को काफ़ी फख्र महसूस हो रहा है। तो माता जी, आप मुझे ये बताइए कि आगे आपने क्या सोचा अपने बेटे के बारे में? नाम रोशन करे, आगे बढ़े, यार क्या हम खुशी। मेरे बेटे आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहा, और क्या। समाज के लोगों को, आपके आसपास के बच्चों को आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसी तरह सब बच्चे इसी तरह बने। असल में आप इतनी खुश हैं कि माता जी को समझ में नहीं आ रहा मैं अपने बच्चे के बारे में क्या बोलूं। तो जाहिर सी बात है, ये हर्ष का विषय है और माँ है तो वो माँ का दिल ही जान सकता है कि उनका बेटा, उनका लाल किस तरीके से अपने एक नए संगीत के फील्ड में नाम कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसा ला रहा है घर में, और साथ पैसा के साथ साथ वो समाज में भी एक प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। था या अचानक उसके अंदर कुछ तब्दीली आई, या आपने कभी पढ़ाई लिखाई में उसे डांटा नहीं कि भाई पढ़ो, IAS बनो, IPS बनो?
आपने उसे क्यों ये तबला डुग्गी सारंगी और हारमोनियम में क्यों आपने इसे भेजा? उसको बचपन से शौक था कि हमने थोड़ा सा गायकी में ही करेंगे, और स्कूल में कोई एनुअल प्रोग्राम होता था तो टीचर ने इनको गवाता थे, तो उसमें थोड़ा सा इनको ये हुआ क्या है। और हमारे एक समाज में कसौधन समाज हम लोग हैं, हमारे एक कसौधन पंचायत में होली मिलन समारोह होता है, वो होली मिलन समारोह में ये 5 साल की उम्र से स्टेज प्रोग्राम करने लगे, वहाँ गाने लगे उतने लोग के बीच में, और इतना फेमस हो गए कि इनको लोग वहाँ चाहने लगे कि राहुल जी बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे कहें कि चलो करो, प्रोग्राम कर रहे हो करो, हमारा बिजनेस है, हम चश्मे के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, हमारा खरबन चक में डॉक्टर विष्णु कुमार के सामने चश्मे का दुकान है, तो दोनों हम लोग बैठते हैं, जब भी समय निकालते हैं तो इनका प्रोग्राम रहता है, तो हम कहते जाओ प्रोग्राम करो, हमको भी थोड़ा गर्व महसूस होता है, थोड़ा अपने आप को प्राउड फील होता है कि चलो लड़का कुछ कर रहा है। मोहल्ले में अवस्थित है, छोटी सी गली है, मुझे भी ढूंढने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन मैं अंततः गतवा जान गया कि हाँ वो राहुल अनुजी हैं जो गाते हैं, अभी काफ़ी धूम मचा रखा है उन्होंने, तो पल भर में उन पास के मोहल्ले के लोगों ने मुझे बता दिया आप ऐसे चले जाइए, बाएं चले जाइए, वहाँ पे आपको राहुल अनुजी मिल जाएंगे। जी हाँ, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उनकी दादी माँ जी से, वो भी उत्सुक है, बूढ़ी हैं, काफ़ी देरी से मैं उनके पता है कि एक दादी माँ होने के साथ साथ आपने अपने इस पोते को में बचपन से आपने क्या देखा? आप कभी इनमें खराबी नहीं है, बहुत सुंदर लगता है हमको, एक गाते बजाते हैं सब दौड़ के आते हैं सुनने के लिए, बहुत सुंदर लगता है, बहुत लाइन पे ही आ गए हैं, अच्छा लगता है हमको। आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे अपने पोते को? हमारा आशीर्वाद यही है कि मेरा पोता अमर रहे, बढ़े, खूब बढ़े, हमको बहुत खुशी हुए कि हमारी बेटी लोग भी खूब खुश हो रही है कि नहीं मेरा भतीजा बहुत बड़ा नाम कर रहा है। वाह, ये होता है दादी का दिल, देख लीजिए आप, सभी को ऐसी ही दादी मिले और ऐसा ही पोता मिले, जब कहते हैं ना सोने पे सुहागा। साथ ही साथ मैं, अब छोटी बहन है, तो छोटी बहन है, उनका नाम महिमा है, तो मैं महिमा से जानना चाहूँगा कि महिमा तुम बताओ कि अपने बड़े भाई के इस सफलता पर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, और क्या तुम निकट भविष्य में कुछ अपना कुछ खुद को अपने आप में बदलने की कोशिश करोगी, कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगी, तुम इसे जान लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मेरे भाई हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी को भी प्राउड होगा कि मेरा भाई है, हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है, सबको बताते हैं, ऐसा लगता है। खुल कर बोलो, और भी जो दिल में बताओ। बचपन से ही गाते हैं, तो पहले लगता था कि इस गाने को, लेकिन अब अच्छा लगता है, इतना अच्छा कि हमेशा सुनते हैं इसके गाने को, इस गाने पे मतलब सबको शेयर करते हैं, सब फ्रेंड लोग को, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बहन हो तो ऐसी है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप इस तरीके से अपने दोस्त के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलते हैं और खुद भी उनके साथ परफॉर्म भी करते हैं, जैसा आपने कहा, तो किस तरीके का परफॉर्मेंस आप उनके साथ करते हैं और क्या उनके साथ आपका तालमेल है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज मेरे राहुल भाई जो हैं, एक गुरु समान बोलिए, बड़े भाई समान बोलिए, एक मित्र के तरह बोलिए, मतलब कुछ भी बोल दीजिए, मतलब कि लफ्ज़ नहीं है उनके, उनकी तारीफ़ के लिए। तो हम लोग साथ में ही उठते बैठते हैं, रियाज करते हैं, किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, और उनका मेरे जीवन में बहुत हेल्प मुझे मिलता है इस लाइन में कि अभिषेक भाई आप भी आइए, आप भी चलिए, आप इस गाने को कीजिए, ऐसे कीजिए, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही आगे जाएंगे ये हम लोग उम्मीद करते हैं भगवान से। और क्या कहूँ, और कोई लफ्ज़ नहीं है इनके लिए कुछ बोलने के लिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे साथ एक बहुत ही अहम व्यक्ति हैं जो कि वो भी अपना कुछ अपना वक्तव्य देना चाहेंगे। यहाँ पर एक टीम वर्क है, और उस पूरे टीम वर्क में किस तरीके से काम होता है, ये राहुल अनुजी का एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है कि वो एक टीम के साथ काम करते हैं। उनके साथ उनके दोस्त भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, उनकी बहन भी हैं जो कि उनको मोरल सपोर्ट करती हैं, और मोरल सपोर्ट के साथ साथ उनको हर चीज़ में कदम से कदम के साथ चलने का उन्हें आशीर्वाद देती हैं। और अब मैं आपका तारुफ करवाऊंगा उनके बहुत ही करीबी एक अजीज दोस्त से जो कि उनके साथ हैं, वो भी गाते हैं और अच्छा नाम वो भी कमा रहे हैं, और प्रयास उनका भी है कुछ बेहतर करने का। तो मैं उनसे जानता हूँ उनका नाम,
और वो अपने श्री मुख से ही बताएं कि वो क्या आगे अपने भविष्य में चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रजा हुआ। सबसे पहले लोकल न्यूज़ चैनल वाले को मेरा प्रणाम। और हमारे माता पिता जो कि राहुल अनु मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, भाई के समान हैं, जो कि हमेशा हमको गाइड करते हैं कि जैसे कि सिंगिंग करने में हो, क्योंकि मुझे पहले कुछ आता नहीं था तो सिंगिंग में हमेशा हमको सपोर्ट मिलता है। प्रोग्राम कहीं होता है तो फिर हमको लेके जाते हैं, नहीं कि हमेशा एक गुरु एक गार्जियन के समान वो हमको सपोर्ट करते हैं, जो कि आज हमको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिल रहा है। कि आज सौभाग्य, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फर्स्ट टाइम हमको न्यूज़ चैनल वाले के सामने आने का मौका मिला। और हम बस नौगछिया से हम आ रहे थे, अचानक राहुल जी हमको फ़ोन किए, राहुल भैया फ़ोन किए कि आज न्यूज़ चैनल वाले आ रहे हैं तो हमको बुलाएं, तो संजोग से आपसे मुलाकात होगी। आज हमारे हमको जितने भी देख रहे हैं व्यूअर्स, जितने भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जितने भी देखेंगे सबको मेरा दिल से प्रणाम। और हमारे राहुल जी को सबसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमको आप सबों के बीच मिलने का बोलने का धन्यवाद आपका। जी हाँ, अभी तक आप देख रहे थे लोकल टीवी न्यूज़ 24x7। सब पे नज़र, सबकी खबर। जी हाँ, हम सब पे नज़र रखते हैं, सबकी खबर भी लेते हैं, साथ ही साथ समाज से जुड़े सरोकार और इतना ही नहीं समाज में होने वाले नए नए प्रयोग को आपके समक्ष उजागर करने का ये हमारा दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने में आपकी जो जितनी भी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए वह कम है। और मैं हमेशा यह कोशिश करता रहूँगा कि समाज में जो भी प्रयोग हो रहे हैं, जो कि समाज की बेहतरी के लिए हो, आने वाले भविष्य के लिए हो, मैं यह अनवरत जारी रखूंगा। जी हाँ, मैं सोनी मिश्रा आपका असंख्य धन्यवाद करता हूँ लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से। 24x7, सब पे नजर, सबकी खबर। धन्यवाद। बोले रो चले बे मोती हारिया, हाई बात चले बे टाटा झारिया, बोले रो चले बे मोती हारिया, ने चलते हमसे के धानी बेटरी वाला गाड़िया, ने चलते हमसे के धानी टोटो वाला गाड़िया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे आप लोकल टीवी न्यूज के साथ। सब पर नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।